बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नया एहतराम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजाम डंडा एक्स डीएसवी ईपीआई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज टाइफाइड फीवर डिजीज, मुद्दे का बुखार की बीमारी क्या है, ये उर्दू जबान में वीडियो है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे सिंधी में बनाया था, बहुत दोस्तों ने उसको अप्रिशिएट किया, उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे। और मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये टाइफाइड फीवर का पेशेंट है और इसकी डिटेल बाकी आगे मैं बताता हूँ। टाइफाइड फीवर ये एक बॉडी है जिसमें देखें आप कि ये जिगर है, ये अपनी साइज से बढ़ जाता है इस बीमारी की वजह से। ये तिल्ली है, ये भी अपनी साइज से बढ़ जाती है। उसके बाद ये आप देखें कि ये आंतलियां हैं, इनमें जख्म हो जाते हैं, ये देखें जख्म है। ये रेशेज है जो बॉडी पे हो जाते हैं। ये जबान है जो ऊपर वाइट तह बन जाता है इसका, तो इस बीमारी में ये निशानियां खास निशानियां हैं। और ये जो जरासीम है ये टाइफाइड फीवर करता है, इसको सल्मोनेला टाइफी कहते हैं। ये बीमारी सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बीमारी का जरासीम आलूदा खुराक खाने, आलूदा पानी पीने से जिस्म में दाखिल होता है। ये जरासीम जिस्म में दाखिल होने के बाद आंतलियों में बढ़ता रहता है और खून में मिल जाता है। मुद्दे का बुखार को आंतलियों का बुखार भी कहते हैं। मुद्दे के बुखार का जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होने से उस बीमारी की निशानियां जाहिर होने तक के पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये पीरियड 10 से 15 दिन होता है। मुद्दे का बुखार की बीमारी कैसे फैलती है, ये बीमारी आलूदा खुराक, आलूदा पानी, आलूदा खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करने से फैलती है। इस बीमारी में मुबतला मरीज के करीब रहने से भी ये बीमारी लग जाती है, तो इसका एहतियात करना है। बच्चे अगर खुली फिजा में काकूस करेगा तो उस पे मक्खियां बैठेंगी और जरासीमों को उठाकर सेहतमंद बच्चों तक पहुंचाकर उनको बीमार करेगी। गंदी नकासी आप की वजह से इस बीमारी का रूट ओरल फिको रूट है। मुद्दे के बुखार की पहले हफ्ते में कौन सी निशानियां होती हैं, बुखार कम ज्यादा होना, थकावट, सर में दर्द और खून में सफेद जुजों का कम होना। पहले हफ्ते में अगर आप विटाल टेस्ट कराई जाएगी तो वो नेगेटिव आएगी। मुद्दे के बुखार के दूसरे हफ्ते की निशानियां, तेज बुखार, जिस्मानी कमजोरी, जिस्म में दर्द, पेट में दर्द, किसी किसी मरीज को दस्त भी होते हैं और उन दस्तों में खुसूसी मखसूस बदबू भी होती है, किसी किसी मरीज को कब्जी भी होती है। 15 से 50% मरीजों को पेट पे लाल दाने भी निकलते हैं। जिगर और तिली की साइज बढ़ जाती है। इस बुखार को दिमाग का बुखार भी कहते हैं क्योंकि इस मरीज को की सोच की सलाहियत कम हो जाती है। इस बीमारी की वजह से मरीज की सोच की भी सलाहियत कम हो जाती है। मुद्दे के बुखार में तीसरे हफ्ते की निशानियां कौन सी होती हैं, बहुत तेज बुखार, पानी और रंगकियात की कमी, खून में जुजों की कमी, आंतलियों में जख्म, आंतलियों से खून आना, मरीज को निमोनिया होना। तीसरा हफ्ता मुकम्मल होने के बाद मरीज की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है। एहतियात क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले और आखिर में साबुन से हाथ धोने चाहिए। बैतुल खुला की हाजत पूरी करने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। उसके बाद मुद्दे के बुखार के मरीज
के साथ खाने पीने से परहेज करना चाहिए। जरासीमों से पाक और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह और साफ पानी से धोकर खाने चाहिए। गर्म और ताज़ा खाना खाना चाहिए। सब्जियां वगैरह गर्म पानी से धोकर पकानी चाहिए। खाना पकाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। बच्चे जब काकुस करें उसके बाद जब उनकी माँ उन बच्चों को साफ करने के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं। बच्चों की हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर करवाएं और मुकम्मल करवाएं। ऐसा नहीं हो कोई डिफॉल्टर हो बच्चा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करें और वो वीडियो अभी देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जिन दोस्तों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। जो बात आपको समझ में ना आई हो तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो बात अच्छी लगी हो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका भला हो। थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे गौर से सुना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अनकरीब आपके सामने लाऊंगा, इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएगी। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।